और भाई क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब? तो मैं आज आप लोग के लिए ला चुका हूँ बैटल गेम फ्री फायर और पबजी जैसे। और आज जब इस गेम को खेलेंगे तो आप लोग फ्री फायर जैसे एक्सपीरियंस करेंगे, पबजी जैसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो देखो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर भी हैं और ग्राफिक्स भी एकदम सेम है, तो आप लोग इसका गेम प्ले देख के तब भी आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मैं डाउनलोड करें कि नहीं। और आप लोग का गेम का नेम बीच की वीडियो में पता चल जाएगा जब मैं आप लोग को गेम प्ले दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए भाई लोग, फ्री फायर और पबजी जैसे से भी अलग है भाई ये लोग, कितना मजा आएगा भाई इस पानी में चलाने से, और क्या ही मजा आएगा भाई। और इसमें स्क्वाड भी, स्क्वाड आपकी स्क्वाड भी खेल सकती है आप लोग के साथ। तो आप लोग को ये ग्राफिक्स तो एकदम फ्री फायर या पबजी जैसे लग ही रहा होगा भाई लोग। फिर आप लोग जब नीचे उतरेंगे तो भाई देख लीजिए आप लोग स्क्वाड भी यहाँ खेल सकते हैं। तो देखिए भाई कितना तेज भाग रहा है भाई, कितना मजा आएगा भाई इस गेम को खेलने पे। जब आप लोग इस बंदे भी यहाँ मिलते हैं भाई, बंदे देखिए ऊपर एक पहाड़ पे, देखिए एक बंदा स्पॉट हुआ, एनिमी नॉक खत्म। ये पबजी जैसे नॉक कर रहा है, इसमें बताया नहीं, इसमें मतलब साइन नहीं मिलता कि नॉक हुआ कि नहीं। तो देखिए अभी आप लोग को एक मस्त चीज़ दिखाऊंगा। देखिए वहाँ एक बंदा है, स्कोप भी खुला एकदम मस्त। इधर एक बंदा आया है और मुझे मारने की कोशिश, और एकदम नॉकआउट, नॉक हो गया एकदम मस्त हो गया। तो गाइस मैं आप लोग को एक मस्त चीज दिखाऊं। देखिए जब आप लोग इधर आएंगे तो आप लोग को यूएवी मिलेगा, यूएवी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर आप लोग इसको चढ़ के चला भी सकते हैं भाई लोग। क्या ही मजा आएगा भाई, जो फ्री फायर में यू होता है जहाँ से यू होता है ना, बंदे स्पॉट हो जाते हैं तो आप लोग इस पे उड़ सकते हैं और आप लोग लैंड भी कर सकते हैं आराम से, और बंदे को भी आराम से देख सकते हैं। तो गाइज इस गेम का नाम है डिसऑर्डर, मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गेम आप लोगों को कैसा लगा। तो बिना किसी देरी वीडियो को एंड करते हैं, तो टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कंटेंट की कमी हो रही भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए क्या कंटेंट बनाऊं।